कहीं नई चीज में आज मॉर्निंग में सीख, ये कंसल्टेंट का मुझे फोन आया, ये नई चीज क्यों बता रहा हूँ, एक शेयर कर रहा हूँ, ये हर बार हम भी सीखते हैं ना, व्हाई वी टीच टू लर्न, जब हम सिखाएंगे तो ही सीखेंगे ना, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। तो आपको ओपन करते क्रॉस क्वेश्चंस के लिए, प्रो करते क्वेश्चंस के लिए कि आप पूछोगे तो मैं सीखूंगा, कल आपके फ्रेंड को फायदा होगा। तो आज एक मॉर्निंग में मैं एक नई चीज सीखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक सर्जन का फोन आया मुझे कि सर मेरे पास एक जी टीवी फिल्म वाली एपिसोड वाली पेशेंट एडमिट हुई, और पेशेंट एडमिट होने के बाद फर्स्ट क्लास में एडमिट हुई, सब डायरेक्ट प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम सब सर्जिकल प्रोसीजर्स, और पेशेंट ने क्या बोला कि हमारा ग्रुप इंश्योरेंस है जी टीवी का और हमको पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो आप हमको बिल इन्फ्लेट करके दे दो ना, बिल बढ़ा के दे दो, क्योंकि आप मेरे को फर्स्ट क्लास में रखे हो, हमको 400% नहीं मिलेगा, हमको शायद 50% सेंक्शन हो, हमको शायद 70% सेंक्शन हो, तो अगर आप हमको इतनी मदद कर सकते हो तो हम लोग को बेनिफिट हो जाएगा। उधर ड्यू टू गुड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल गुड वे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, क्योंकि ऑलरेडी बिल बड़ा बन चुका था, 7 दिन फर्स्ट क्लास में पेशेंट एडमिट थी, तो डॉक्टर ने थोड़ा एग्जैगरेट करके बिल दे दिया, ये बंदे ने इंश्योरेंस क्लेम किया पैरामाउंट वाला, ये डॉक्टर को विजिट किया, जो आजकल बहुत इंश्योरेंस वाले विजिट करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए, ये नई चीज हमने सीखी। अब डॉक्टर को जब विजिट किया तो फिर उन लोगों की टैक्टिक बहुत अलग रहती है, बिकॉज एवरी सिनेरियो सिचुएशन वी हैव लर्न समथिंग न्यू देयर, और उन्होंने डॉक्टर को बताया कि हमको ही मालूम है आपने एडमिट करके दे दिया, हमको ही मालूम है कि आपने ऐसा किया, और अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं करोगे तो शायद आपको भी प्रॉब्लम आ जाए ना, एफिलिएशन का प्रॉब्लम इसका होगा वगैरह, और उन्होंने डॉक्टर को मोटिवेट किया, ऐसा शो किया कि भाई, क्योंकि उन्होंने ये सब इंक्वायरी पेशेंट से कर ली थी कि इन्फ्लेटेड बिल है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था ना मीठा मीठा बोल, और डॉक्टर से क्या बोला कि आप सर एक काम कीजिए, लिख के दीजिए कि आपने इन्फ्लेटेड बिल बनाया, बड़ा बिल बनाया। डॉक्टर खुद LLB सर्जन, उसने बोला नहीं, उसने भी अपने कुछ दोस्तों से पूछा, yesterday he was here, the doctor was here, तो उसने बोला मैं लिख के तो लिखा, कि उन्होंने बोला कि सर आपका कुछ नहीं होगा, मैं पेशेंट से बात कर लेता हूँ, पेशेंट को हम लोग जो आपका एक्चुअल होता कंपनसेशन दे दें, आप हमको कम से कम ओरिजिनल बिल तो दीजिए, नहीं तो आपका भी नुकसान, आपका तो कुछ नहीं, बेचारा पेशेंट का नुकसान होगा, क्योंकि ये हम बिल तो देने वाले नहीं उसको। डॉक्टर ने गुड फेथ में कि जो पेशेंट को उसका पैसा मिल जाए, डॉक्टर ने बोला ठीक है मेरे को मेरा ओरिजिनल बिल दे, मैं तेरे को रिप्लेसमेंट में दूसरा बिल दे देता हूँ, उसने उसका ओरिजिनल बिल दिया, और डॉक्टर ने नया बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया ओरिजिनल बिल। अब आप सोचो कैसा प्रॉब्लम में फंस गया डॉक्टर। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पेशेंट को लेटर लिख के उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपने फॉल्स बिल सबमिट किया, ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट वी आर रिजेक्टिंग योर क्लेम। यहाँ तक स्टोरी ठीक है, लेकिन पेशेंट भी हायर स्टैंडर्ड वाला नो, वो स्टैंडर्ड के लोग हैं, दे डोंट एग्री, दे हैव ऑलरेडी देयर लीगल टीम्स आर देयर, वो के जो ग्रुप इंश्योरेंस वाले का GTV वालों का, एंड दे आर डिसाइडेड टू गो इन द कंज्यूमर कोर्ट। अब सीनारी सिचुएशन कैसे टेक कीजिए, अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जेरॉक्स तो पहले मिलता है, क्लेम तो पहले मिलता है, जेरॉक्स तो पेशेंट पास कॉपी पड़ी होगी, क्लेम तो पहले मिल रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास ओरिजिनल में दूसरा बिल है। अब सिचुएशन डॉक्टर ने सर मेरा स्टैंड क्या, आप समझ रहे हो ना, मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जनरल प्रैक्टिस में भी होता है। अब बताओ आप ही बताओ डॉक्टर का स्टैंड क्या होना चाहिए, आपसे मैं पूछता हूँ, सर इज अ कॉमन सेंस, डॉक्टर का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं पहले बिल को स्टिक रहा हूँ कि दूसरे बिल को स्टिक रहो, मैं क्या करूँ, ठीक है कंज्यूमर कोर्ट में तो जाएगा पेशेंट तो 100 का जाएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं पैसा, पहले बिल में स्टिक रहने की बात किया तो वो ओरिजिनल सेकेंड बिल पड़ा हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो अपने डिफेंस में तो खड़ी रहेगी ना, और वो तो वही दिखाने वाली है ना, मतलब कोर्ट में क्या दिखाई इंश्योरेंस कंपनी, और पहले बिल का जेरॉक्स पड़े हुए। कल को अगर ये मैटर, मैं आपको ठीक है प्रचुट नहीं जाएगा, लेकिन कल को ये मैटर अगर पुलिस स्टेशन चले जाए ना क्रिमिनल कोर्ट में,
मैं आपको बोलता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी कैन फाइल अ केस ऑन अ पेशेंट एंड डॉक्टर फॉर चीटिंग देम, एंड देयर वर एविडेंस फॉर दैट, वी हैव गॉट दैट केसेस आल्सो, एंड दिस केस कैन बी गॉन अस, कैन वी हैव गाइडेड दिस डॉक्टर टू व्हाट टू डन। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम क्या कर सकते, बिकॉज दो तीन पीजी के स्टूडेंट भी अंदर है मेडिकल लीगल के, ऐसे केस में बेस्ट गाइडेंस है कि वेट एंड वॉच फॉर द नोटिस। ये नोटिस में क्या लिखा होगा इसके ऊपर आपका स्टैंड होना चाहिए। अभी आप कुछ मत करो, बस मत करो, पेशेंट जाएगा 100% जाएगा। आप अगर अभी कुछ मिस करने जाओगे तो मैटर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, और क्रिमिनल से बेटर सिविल है ना, तो सिविल के अंदर कॉम्पनसेशन ही आएगा ना, पेनल्टी आएगी ना, पैसा ही आएगा ना, लेकिन क्रिमिनल में तो सजा लगेगी। मैं शांत रहो, मेरा एडवाइस कुछ मत करो, वेट एंड वॉच फॉर द लेटर विच रिसीव, बिकॉज अगर कंज्यूमर फोरम से आपको आएगा तो उसके साथ पूरी पोती आएगी, उसके अंदर एनेक्सेस रहते हैं, दैट इज एविडेंस विच इंश्योरेंस कंपनी है फाइल और विच पेशेंट और फाइल एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज आंसर, और फिर देन यू टेक अ स्टैंड। अगर वो सिचुएशन में ये सिचुएशन आ जाए कि मैं बिल ये पड़ा हुआ है आपका जो जेरॉक्स है और ये जो बिल पड़ा है ये ओरिजिनल है, ये सिचुएशन आएगी आपकी 100% आएगी, और तब आपको आंसर क्या देना, मैं अभी से बताता हूँ मेरे जितने भी मेडिकल लीगल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ऐसा सिनेरियो अगर आपके सामने आए कि सिंपल वे में आपको यही आंसर देना है कि दिस बिल विच हैज बीन गिवन टू दिस पेशेंट इज नॉट गिवन बाय मी, इट वुड बी पेशेंट मे हैव ल्यूर टू माय स्टाफ, क्योंकि हम साइन करके रिसिप्ट छोड़ के गए होंगे बिल देने के लिए, उसने ल्यूर किया होगा और लिया होगा। अगर ये मैंने दिया है तो ओरिजिनल कॉपी आपको दिखाओ, आई विल एक्सेप्ट दैट दिस बिल इज माइन, और ओरिजिनल तो आपके पास पड़ा है, तो ओरिजिनल बिल व्हिच इज देयर आई एम देयर टू गिव एविडेंस दैट इज बिल इज गिवन बाय मी, हेलो, एंड दैट इज द फाइनल बिल। आप समझ रहे हो, अब वो ये सब का सब गेम कब होगा जब कोर्ट पे जाएगा, क्योंकि जब तक पेपर हाथ में नहीं आता इट इज टू डिफिकल्ट। सो बेसिकली फ्रेंड्स एवरीडे वी लर्न समथिंग ऑन दैट,